अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमेरा एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपार्टाइट वायरस। पहले हमने जो डिस्कस किया था वो बूट सेक्टर वायरस है एंड प्रोग्राम फाइल वायरस, जो कि दो टाइप्स हैं कंप्यूटर वायरसेस की। नेक्स्ट थर्ड इज़ अ मल्टीपार्टाइट वायरस। व्हाट इज़ अ मल्टीपार्टाइट वायरस? मल्टी मीन कई हिस्से होते हैं इसके, पार्टाइट वायरस यानी कि बहुत ज़्यादा इसके हिस्से जो कंप्यूटर में फैल जाते हैं। अब ये कम्बिनेशन है दो वायरसेस का, मींस पहले हमने बूट सेक्टर वायरस और प्रोग्राम फाइल वायरस डिस्कस किया, तो ये इन दोनों का कम्बिनेशन है। ये साइमल्टेनियसली मींस के एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी डैमेज करता है और बूट सेक्टर में भी जाके ये डैमेज करता है, इन्फेक्ट करता है फंक्शनिंग को। जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो मल्टीपार्टाइट वायरस उसमें जाके हर्डेंस पैदा करता है ताकि कंप्यूटर अपना काम रोक दे, या कोई भी अगर फाइल हमने ओपन करनी है तो वो ओपन ना हो। ये मुख्तलिफ हिस्सों को इन्फेक्ट करता है। ये एक हाइब्रिड वायरस है जो कि किसी भी स्कैन में या किसी भी सिस्टम में अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड वायरस है, यानी कि इसको ये पता ही नहीं लगता इसका किस फाइल के साथ कब अटैच होके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, ठीक है। और ये मल्टीपल टाइम पे डिफरेंट टाइम पे मल्टीपल फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, मल्टीपल हिस्सों को इन्फेक्ट करता है। और इसकी एग्जांपल है घोस्ट बॉल इन्वेडर एंड फ्लिप, जो कि मोस्ट डेंजरस फाइल वायरस कंसीडर किया जाता है, और इसको एग्जीक्यूट जब करते हैं तो ये पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉली मींस मैनी, मॉर्फिक मींस फॉर्म, यानी कि पॉली मैनी फॉर्म्स हैं इसकी। पॉलीमॉर्फिक वायरस मींस मैनी फॉर्म्स, यानी कि इस वायरस की भी बहुत ज़्यादा शक्लें हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं जो कि कंप्यूटर को डैमेज करती हैं। किस लिहाज से? उसका डेटा टाइप्स और फंक्शनिंग जो है वो उसको नॉर्मल फंक्शनिंग में हर्डेंस पैदा करके उसको डैमेज कर देता है और कंप्यूटर अपना काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हैं इनवॉलेंट्री स्टिमुलेट फोनिक्स एंड वायरसेस 101, ठीक है। ये और ये इतना ख़तरनाक वायरस है कि ये ना ही किसी स्कैनर में पकड़ा जाता है और ना ही किसी एंटीवायरस प्रोग्राम में इसको डिटेक्ट किया जाता है। और ये अपने सेल इनक्रिप्टेड जो है वायरस है जो कि अवॉइड कर देता है डिटेक्शन स्कैनर की और एंटीवायरस की।